दोस्तों आज है 9 तारीख और कल गणेश चतुर्थी की तारीख यानी कि 10 तारीख को 100% लिखित गारंटी के साथ जियो फोन नेक्स्ट आपको मिलेगा। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मामला बहुत क्रिटिकल है, काफी लोग जियो फोन 3 का ऑर्डर कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं कि ताकि वो जल्दी से जल्दी कल निकटतम स्टोर से जाकर ले लें या फिर डायरेक्ट ऑर्डर कर दें jio.com। तो जियो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कैसे आपको जियो फोन नेक्स्ट मिलेगा और सबसे पहले लेने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जियो फोन नेक्स्ट को लेने के लिए काफी मात्रा में लोग भीड़ लगाए हुए हैं और काफी मात्रा में लोग ये सोच रहे हैं कि 500 रुपए वाला स्मार्टफोन कैसा होने वाला है। दोस्तों मैंने एक वीडियो में इसका लीक्स और लुक्स दोनों ही दिखाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको सब कुछ आपको बताने वाला हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह कल गणेश चतुर्थी के दिन 10 बजे आपको निकटतम स्टोर पर जियो फोन नेक्स्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं jio.com से ऑनलाइन करना तो उसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बेहद ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और गणेश चतुर्थी के दिन जियो फोन नेक्स्ट का श्री गणसाय कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल पर बहुत ही जल्दी जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग आने वाली है और मैंने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोनों की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव थी। लेकिन कोई कितना भी एक्सक्लूसिव हो जाए जियो फोन नेक्स्ट एक्सक्लूसिव कोई नहीं है। 500 रुपए में एक स्मार्टफोन आपको कुछ बेहतरीन लुक देने वाला और कुछ उसकी लुक इस तरीके से निकल कर आने वाली है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं जियो फोन नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन और मुकेश अंबानी जी ने जियो फोन नेक्स्ट को कैसे देने का दावा किया है, उसके साथ कौन कौन से रिचार्ज प्लान लेने होंगे और कितने रुपए कैसे कैसे देने वाले हैं आपको इस वीडियो में पूरी पता चल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियो फोन नेक्स्ट में आपको पैनोरामिक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यह स्मार्टफोन केवल आपको 501 रुपए में मिलेगी। सारी जानकारी रियल है। 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ इस स्मार्टफोन को आप ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में देख सकते हैं। जियो फोन 3 प्रो भी इंडिया में लॉन्च हुआ है जो 2500 का है, लेकिन इसको 501 रुपया तुरंत देना है, बाकी आपको रिचार्ज के साथ देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की तुरंत ही बुकिंग करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुकिंग नहीं करेंगे यानी कि फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको यह स्मार्टफोन मिलने वाला नहीं है। काफ़ी लेट लगेगा मिलने में। जब पूरी तरीके से मार्केट में यह स्मार्टफोन आ जाएगा तब आपको यह स्मार्टफोन मिलने का चांस यानी कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और केवल 501 रुपये में यह स्मार्टफोन लीजिए। दोस्तों इसमें 2 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जियो फोन की तरफ से, जियो फोन नेक्स्ट और जियो फोन एडवांस। एडवांस में आपको 64 मेगापिक्सल का DSLR बोका ब्लर कैमरा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा और जबकि जियो फोन नेक्स्ट में आपको 48 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों मुकेश अंबानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया यह वीडियो आप काफ़ी बार देख चुके होंगे। यहाँ पर आपको 40 मेगापिक्सल का AI कैमरा देखने को मिलेगा जो कि इस सेगमेंट यानी कि 500 रुपये में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन इसे बनाता है। सामने की तरफ आपको 25 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपना नाम फॉर्म पे फिल करना है और रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। यह काम करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इस बार बिल्कुल चूक मत पड़िएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें अपना नाम तुरंत कमेंट करके बताइए, आज मैं बिल्कुल दिन भर फ्री हूँ, जो आपका कमेंट आएगा मैं कंप्यूटर लैपटॉप से आपका रजिस्ट्रेशन करके आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई करूँगा और तुरंत ही आप उसे निकटतम स्टोर पर 10 सितंबर को ले जाकर जियो फोन नेक्स्ट पा सकते हैं। दोस्तों आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको जियो फोन नेक्स्ट चाहिए या फिर जियो फोन एडवांस चाहिए। अब जियो फोन नेक्स्ट और जियो फोन एडवांस में आपको डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा। जियो फोन नेक्स्ट में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा छोटे प्रोसेसर के साथ, जबकि जियो फोन एडवांस में आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आपको रेट दोनों में डिफरेंट है, एक 3500 का है, एक 2500 का, लेकिन दोस्तों आपको देना केवल 501 रुपये पड़ेगा और साथ ही साथ अगले महीने हर महीने रिचार्ज कर करके इसका दाम आपको भरना पड़ेगा।
तो आइए दोस्तों सिंपल सा फॉर्म फिल कर देना है, वैसे ही बिल्कुल फिल करना जैसे जियो 41 के लिए फॉर्म फिल किया गया था, बिल्कुल वही फॉर्म है दोबारा से आपके रिलॉन्च किया गया है। और उसे अपना नाम भर के आप अपना एड्रेस डालकर जियो फोन नेक्स्ट का भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्रोम ब्राउजर में ओपन हो चुका है, आपको भी जाना है www.jio.com पर, वहाँ से आपको ये फॉर्म दिख जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। तरीके से आपको अपना नाम और नीचे की तरफ आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जियो फोन मानसून हंगामा एक्सचेंज ऑफर, जहाँ पर आप जियो फोन 1 को या फिर जियो फोन 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं। बगल में आपको लिखा है विदाउट एक्सचेंज ऑफर, तो मेरे पास अभी जियो फोन 1 है लेकिन ख़राब नहीं है, तो मैं उसे एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूँ, विदाउट एक्सचेंज ऑफर पे इसे क्लिक करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जियो फोन 2 है, उसे मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। तो जियो फोन मानसून हंगामा एक्सचेंज ऑफर में मैंने क्लिक कर दिया और अपना नाम फिल कर दिया। नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देना है जो कि ऑप्शनल है, उसके बाद से आपको अपना नाम और नीचे की तरफ आपको इंटर पिन कोड के ऑप्शन पे पिन कोड डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सामने आ जाएगा इंटर डिलीवरी एड्रेस, जो कि आपको अपना होम एड्रेस डालने के बाद सीधा नीचे क्लिक कर देना है। दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको 10 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा।